Hello, dear bankers. Hello to everybody. A very, very warm welcome to JIB CIB Prep. हम पढ़ रहे हैं आपका subject ABFM, जहां module C का second last unit आज करेंगे, बोले तो unit 17, जो one of the most important units बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से जितने direct questions आ सकते हैं, उतने ही application based questions भी आ सकते हैं, तो concepts हमारे लिए समझना यहां पर काफी जरूरी हो जाता है। तो मेरे साथ end तक बने रहिएगा ताकि आप mergers, acquisition and restructuring को with its types and nitty-gritties समझ पाएं। okay? चलिए शुरू करते हैं। जब मैं corporate restructuring के बारे में बात कर रही हूँ, तो आज की जो competitiveness है या globalized business environment है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो restructuring है, जो ढांचा बदलना है आपको अपने corporate के स्ट्रक्चर का, है ना, वो ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे जो चेंजेस होने हैं, वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। और जो ये शिफ्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं, डाइवेस्टिंग नॉन कोर असेट्स, मर्जर्स, एक्विजिशन जैसी बातचीत आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में करनी पड़ती है। मतलब अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलना हुआ, कोई आपका जो कोर असेट है सिर्फ उस पर काम करिए, जो नॉन कोर असेट है उसे बवाय टाटा कर दीजिए, उसमें से डिसइन्वेस्ट कर दीजिए या डाइवेस्ट कर दीजिए, उसे अलग कर दीजिए। ठीक है, किसी दो लोग मिलके मर्ज हो सकते हैं, आप किसी को अक्वायर कर सकते हैं। जो ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, एजेंडा इनका यही है कि सिनर्जी बन सके। व्हाट इज सिनर्जी? जैसे मान लेते हैं कंपनी है ए, ठीक है, उस कंपनी की वैल्यू है कुछ, और एक कंपनी है बी, उसकी भी कुछ वैल्यू है। अगर दोनों मिल जाते हैं, चाहे ए ने बी को अक्वायर कर लिया या बी ने ए को अक्वायर कर लिया, या दोनों मिलके मर्ज हो गए, और उसके बावजूद भी जो वैल्यू है वो सिर्फ दोनों की मिलाकर आ रही है, मतलब यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 7 थी और ये 17 आ रही है, तो क्या सिनर्जी हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ? ऑफ कोर्स नहीं। फ़ायदा तब होगा जब ये 17 से कुछ ज़्यादा होगा। 1+1 में हिंदी में 1 और 1 11 नहीं बोल रही हूँ, बट मैं बोल रही हूँ 1 और 1 2 से कुछ ज़्यादा होगा तो सिनर्जी होगी। और सिनर्जीज को अलाइन करते हुए या एजेंडा यही रहता है कि अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं अपने कॉरपोरेट के ढांचे का, यस, तो वहाँ पे एक सिनर्जी क्रिएट हो सके और जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट है मार्केट के, उसके साथ हम भी बदल सके। जैसे जब जियो आया था तो हमने देख लिया था कैसे टेलीकॉम सेक्टर में थिंग्स हैड टू चेंज, थिंग्स हैड टू, कंपनीज हैड टू रीस्ट्रक्चर बिकॉज दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर। ओके, अगर मैं इंडिया में बोलूँ तो इंडिया ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी है M&A एक्टिविटीज़ में, विद लैंडमार्क डील्स लाइक HDFC बैंक, HDFC और HDFC बैंक मर्जर हुए 2022 में, ठीक है, Mindtree एंड L&T इन्फोटेक मर्जर हुआ। फैक्टर्स डिराइविंग दिस इंक्लूड ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक चैलेंजेस जैसे कि इन्फ्लेशन, रिसेशन और सारे और कुछ फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये हमें रीसेंट पास्ट में हमने M&As देखे हैं। ठीक है, अब रीस्ट्रक्चरिंग एक तो इंटरनल लेवल पे हो सकती है, जैसे कि कुछ पैसे आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए, कुछ R&Ds कर रहे हैं, कुछ स्पिन ऑफ्स कर रहे हैं, स्पिन ऑफ एज इन कि 5 डिपार्टमेंट थे, एक डिपार्टमेंट ही हमने अलग कर दिया लेट्स से। ओके, तो एक्सटर्नल और एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग भी हो सकती है, मतलब बाहर वाली कंपनीज के साथ आप एक्वायर कर रहे हो, उनके साथ मर्ज हो रहा रहे हो, है ना, या जॉइंट वेंचर्स कर रहे हो, बेसिकली स्ट्रैटेजिकली थिंग्स अलायंस में लेकर आ रहे हो, यू गाइस यू आर मेकिंग फ्रेंड्स, ओके, बस स्ट्रैटेजिकली। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अगर मैं लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बात करूँ, तो काफ़ी सारे लॉज हैं जो गवर्न होते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट आ जाता है पिक्चर में, क्योंकि अगर दो कंपनीज मिल रही हैं, बट रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो सेक्शन 230 से लेकर सेक्शन 240 तक कुछ 10 सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, जो फास्ट ट्रैक मर्जर्स, मर्जर्स, डी मर्जर्स को कवर करता है। देन यू हैव सेबी एक्ट ऑल्सो, क्योंकि सेबी का तो प्रॉपर एक टेक ओवर कोड है हमारे सिलेबस में,
और कुछ और एक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे कंपटीशन एक्ट, फेमा, आईटी एक्ट, ये भी कहीं ना कहीं पिक्चर में आते हैं। कंपटीशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लोग कार्टल फॉर्म कर रहे हैं कि आप और मैं लड़ रहे हो, कंपटीशन होने से कस्टमर फ़ायदा हो रहा है। हमने कहा चलो ऐसा है, कस्टमर का क्या फ़ायदा करना, अपना ही फ़ायदा कर लेते हैं, दोनों डिसाइड कर लेते हैं, इसे नीचे तो हम बेचेंगे ही नहीं, तो कस्टमर को खरीदना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी पिक्चर में आ जाता है, इसके बारे में आप BRBL में पढ़ने वाले हैं मेरे साथ, और आईटी एक्ट भी है, आईटी एक्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, पहले इनको समझ लेते हैं ताकि आगे जब भी मैं मर्जर्स, एक्विजिशन, टेक ओवर्स, अमलगमेशन बोलूँ तो आप कन्फ्यूज़ नहीं हुए। जब दो बिजनेस एक में बन जा रहे हैं, ए और बी जो है वो ए बी बन जा रहा है, ओके, यहाँ हॉरिजॉन्टल मर्जर्स हो सकते हैं, सेम ही लाइन वाले बिजनेस। हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल इज या तो जैसे हमने समझा ना, ये मैन्युफैक्चरर है, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर है, फिर कस्टमर है। यहाँ या तो इसने इसके साथ मर्ज कर लिया, इसने इसके साथ मर्ज कर लिया, इसके साथ मर्ज कर लिया। वैसे कंपनी है गाड़ी की, असेंबली करती है, टायर की कंपनी को अक्वायर कर लिया, या टायर की कंपनी के साथ जाके मर्ज हो गई, समझ रहे हैं। तो बेसिकली वर्टिकल मर्जर्स हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मर्जर्स हो सकते हैं, कंजेंड्रिक मर्जर्स हो सकते हैं, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स हो सकते हैं, और रिवर्स मर्जर्स भी हो सकते हैं। और रिवर्स मर्जर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवर्स मर्जर है क्या। वैसे तो हमने देखा है कि बड़ी मछली, वैसे हमने क्या देखा है, बड़ी मछली छोटी मछली को अक्वायर खाती है, ऐसे देखा है ना हमने, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। बट यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है, जब छोटी मछली बड़ी मछली को अक्वायर कर ले, है ना, जब बड़ी छोटी बिजनेस बड़ी बिजनेस को अक्वायर कर ले तो उसमें रिवर्स मॉर्गेज कहते हैं। ओके, देन वी हैव एक्विजिशन, जहाँ पे एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज ही कर लिया है, परचेज कर लिया है, विच में ऑपरेट एज सिंगल और सेपरेट इक्विटी एंटिटी पोस्ट एक्विजिशन। हो सकता है ऐसे मिंत्रा को टेक ओवर कर लिया फ्लिपकार्ट ने, तो मिंत्रा मिंत्रा जैसे परफॉर्म कर रही है, या फिर हो सकता है कुछ कंपनी ऐसी भी एक्वायर कर रही है जिनका नाम में पता नहीं है बट ऑलरेडी उनका एक्विजिशन हो रहा है या हो चुका है। ओके, टेक ओवर ये ट्रांजैक्शन है जहाँ कंपनीज इंडिपेंडेंट रहती हैं बट कम अंडर द न्यू मैनेजमेंट, टेक ओवर कर लिया है, रहेगी तो अपना अलग से काम कर रही है बट किसी और मैनेजमेंट बदल गया है। अमैलगमेशन, मर्जिंग बिजनेस वेयर शेयर होल्डर्स ऑफ द मर्ज एंटिटीज गेन ओनरशिप इन न्यू एंटिटी, ठीक है। तो जब जैसे ए और बी है, अगर हमने बी को ए के साथ मर्ज कर दिया है तो इस कंपनी के जो मैनेजमेंट था उन्हें इस कंपनी में कुछ शेयर मिल रहा है। ओके, वेयर द शेयर होल्डर्स ऑफ द मर्ज एंटिटीज गेन ओनरशिप इन न्यू एंटिटी, या अगर ए बी बना रहे हैं तो दोनों की लोगों को मिल जाएगा, दोनों की ही मैनेजमेंट को ओनरशिप मिल जाएगी, नहीं नहीं न्यू समथिंग न्यू। ओके, सिग्निफिकेंस तो है, मैंने कहा इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इससे कंपनीज ग्रो हो पाती हैं, कंसोलिडेट हो पाती है मार्केट, और आप रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सरकार का भी सपोर्ट मिलता है ताकि इंडस्ट्री बढ़ सके, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, और ट्रेड भी प्रमोट हो। तो मोटा मोटा बोले तो कॉरपोरेट स्ट्रक्चरिंग इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से कंपनीज आज ग्लोबलाइजेशन के मापदंडों से मिल पा रही हैं, मार्केट की डिमांड फुलफिल कर पा रही हैं, और अगर इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके तो बेनिफिट खाली कंपनीज को नहीं है, शेयर होल्डर्स को भी है, एम्प्लॉयज़ को भी है, और इन जनरल हमारी कंट्री को भी है। ठीक जी, अब यहाँ पर बात करते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मर्जर। जैसे मैंने आपको समझाया कि जो वैल्यू है कंपनी ए की, एक वैल्यू है कंपनी बी की, सिनर्जी कैसे पता चल रहा है, जो बेनिफिट है वो कैसे पता चलेगा कि कितना बेनिफिट हुआ है, जो दोनों की मिलाकर है, जैसे मान लो दोनों की मिला के 20 है, इंडिविजुअली इसकी 10 थी, इंडिविजुअली इसकी 6 थी, है ना, तो चार का बेनिफिट, चार का मुनाफा हमको दिख गया,
चार का बेनिफिट हमको दिख गया। मान लेते हैं कंपनी ए ने डिसाइड किया कि कंपनी बी को अक्वायर करना है। अब ये जब अक्वायर कर रहा है तो पैसे लगेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। वेयर एज कंपनी बी इज मेकिंग अ डिसीजन कि कितना पैसा उसको मिलना चाहिए। नाउ व्हाट डज द डिसीजन टू गो विद फर्म ए मीन इन टर्म्स ऑफ एनपीवी, क्या मतलब है? या फिर अगर मैं बी के बारे में बोलती हूँ तो वहाँ पे क्या मतलब है? पहले ये समझते हैं, बिफोर वी डिटरमाइन फर्म एज नेट प्रेजेंट वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर, वी मस्ट अंडरस्टैंड द बेनिफिट एंड द ड्रॉबैक ऑफ कॉम्बिनेशन। क्योंकि जो खरीद रहा है वो चाहेगा कम से कम में खरीदे, और जो बेच रहा है वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा उसको पैसे मिल जाए। बट बिफोर दिस एंटायर मर्जर हैपनिंग, ये तो समझिए कि क्या दोनों को जुड़ने से कोई मुनाफा भी होने वाला है। जैसे मैंने आपको पीछे सिनर्जी सिखाई, या यहाँ पर मैंने आपको एक नंबर्स के साथ कहानी समझाई, ठीक है ना? तो एडवांटेज जो है मर्जर का इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंबाइंड एंटिटी एंड द वैल्यूज ऑफ टू एंटिटीज इफ दे वर केप्ट सेपरेट। लाइक आई टोल्ड यू दिस दिस इज परफेक्टली, इफ यू हैव अंडरस्टूड इट तो चमक गया। आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा, आप आराम से एक ऐसी सिचुएशन में क्या आप आंसर दे पाएंगे। ओके, मर्जर्स में एक्चुअली में क्या होता है, जहाँ दो बिजनेसेस जो सिमिलर साइज के हैं या सिमिलर स्केल ऑफ ऑपरेशन में है, वो एक नई कंपनी बना ले रहे हैं। एक्विजिशन में बेसिकली परचेज हो रहा है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है। जनरली बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को उठाती है, बट अगर उल्टा हो रहा है तो रिवर्स मर्जर हो जाता है। ओके, तो जो हॉरिजॉन्टल मर्जर है, यहाँ पर दो बिजनेसेस हैव रिसेंटली मर्ज एंड बोथ आर ऑपरेटिंग इन सेम मार्केट, सेम हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है ना, सेम लेवल पर है। मर्जर्स में या बायर सेलर रिलेशनशिप रहता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो मैन्युफैक्चरर है होलसेलर है, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, मेरे पीछे आ रहा हो, यहाँ लिख देती हूँ, वो मैन्युफैक्चरर है होलसेलर है रिटेलर और कंज्यूमर है। ये लोग कहीं पर मिल रहे हैं। ओके, अगर ऊपर से नीचे अक्वायर कर रहे हैं, नहीं, जब नीचे से ऊपर अक्वायर कर रहा है, मतलब कोई होलसेलर मैन्युफैक्चरर को ले रहा है, रिटेलर होलसेलर को ले रहा है, कंज्यूमर रिटेलर को ले रहा है, तो इसे हम बॉटम टू टॉप बोलेंगे। और जब ऊपर वाले नीचे वाले को ले रहा है, टॉप टू बॉटम बोलेंगे, जब ऊपर वाला मैन्युफैक्चरर होलसेलर के साथ मिल जा रहा है, या होलसेलर रिटेलर के साथ मिल जा रहा है, या रिटेलर कंज्यूमर के साथ मिल जा रहा है, ठीक है जी? तो ये हमारे पास वर्टिकल में भी दो तरीके के मॉडल्स अवेलेबल हैं मर्जर के। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन रिवर्स मर्जर अ स्मॉलर कंपनी एक्वायर्स अ स्टिल स्मॉलर कंपनी? नो। इन रिवर्स मर्जर अ स्मॉल कंपनी एक्वायर्स अ लार्जर कंपनी? यस। इन रिवर्स मर्जर अ लार्जर कंपनी एक्वायर्स अ स्मॉलर कंपनी, तो नॉर्मल मर्जर में होता है। एंड ए रिवर्स मर्जर एनबीएफसी एक्वायर्स अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी? नो। द आंसर हेयर इज व्हाट डियर बैंकर्स? इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है, जब छोटी मछली बड़ी मछली को खा रही है, पकड़ रही है, तो उसे बोल रहे हैं रिवर्स मर्जर। यस, द रिवर्स मर्जर अकर्स व्हेन अ स्मॉलर अनलिस्टेड कंपनी एक्वायर्स अ लार्जर व्हिच माइट बी और व्हिच मे बी पब्लिकली लिस्टेड। नाउ दिस अलाउज द अनलिस्टेड कंपनी टू अवॉइड लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ज़्यादा ताम झाम में नहीं फंसना पड़ेगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को ज़्यादा ताम झाम करना पड़ता है। ओके, एंड दैट वुड नेसेसरी बी टू बी फॉलोड इन द इवेंट दैट इज डिजायर टू इशू इट शेयर टू द पब्लिक थ्रू IPO। वहाँ पर ये ज़रूरी बन जाता है, हो सकता है लास्ट स्टेटमेंट आपको दे दे और पूछ लें कि बताइए इस केस में कौन सा तरीके का मर्जर होना चाहिए। सो यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स मर्जर, ठीक? चलिए, अ मर्जर इज सेट टू बी सिनर्जिस्टिक इफ द कंबाइंड वैल्यू ऑफ द कंपनी इज ग्रेटर देन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज बिफोर द मर्जर। इंडिविजुअल 10 था, इंडिविजुअल 6 था, 16 से ज्यादा होना चाहिए। यस, दैट सीम्स टू बी फाइन। वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल कंपनी फॉलोइंग द मर्जर, बाद में, मर्जर के बाद नहीं, मर्जर से पहले, द वर्थ ऑफ द कंपनी एज अ होल और नन ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स आंसर वुड बी व्हाट डियर बैंकर्स, ए सीम्स टू बी टिपिकली राइट, ठीक है?
विच ऑफ द फॉलोइंग एंटेल्स डिवाइडिंग अ लार्जर कंपनी और कॉरपोरेशन सच एज अ कॉन्ग्लोमरेट विच इज कंप्राइज ऑफ वेरियस डिविजन्स इंटू मल्टीपल इंडिपेंडेंट बिजनेस। ऐसे मान लेते हैं एक कंपनी है, उसमें ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है, सी डिपार्टमेंट है, डी डिपार्टमेंट है। अब इंडिविजुअली इस कंपनी को ए बना दिया, इसको बी बना दिया, इसको सी बना दिया और इसको डी बना दिया। तो इसको हम स्टॉक स्प्लिट बोलेंगे, अमालगमेशन बोलेंगे, शेयर बायबैक बोलेंगे, या इसको बोलेंगे डी मर्जर। हम क्या हो गए, डी मर्ज हो गए। एक कॉन्ग्लोमरेट थी जिसमें बहुत सारे डिविजन से, वेरियस डिपार्टमेंट्स, उनको मल्टीपल इंडिपेंडेंट बिजनेसेस में हमने डीमर्ज कर दिया, तोड़ दिया, है ना। तो हमारे पास अलग अलग तरीके के मर्जर्स हैं। वर्टिकल है जो सप्लाई चेन में, जैसे मैंने आपको बताया होल मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। हॉरिजॉन्टल जो सेम इंडस्ट्री में है। कॉन्ग्लोमरेट जो कंपनीज ही डिफरेंट इंडस्ट्री में। कॉन्ग्लोमरेट हैपन्स टू हैपन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑल टुगेदर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हुआ जो सॉफ्टवेयर में है, और फोर्ड हुआ जो तो व्हीकल में है, ठीक है। एंड देन देयर इज कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक है तो सेम इंडस्ट्री में, बट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन, है ना। जैसे म्यूजिक की कंपनी है ये, और जैसे सम अप्लायंस, म्यूजिक अप्लायंस की कंपनी है, तो इंडस्ट्री सेम बट सप्लाई चेन डिफरेंट है, तो उसे कंसेंट्रिक बोलते हैं। बेसिक है बट इम्पॉर्टेंट है, बेसिक बट इम्पॉर्टेंट। और जब ये सब बातें मैं लिखती हूँ आपके कंटेंट पर, ठीक है, और आपके साथ जब मैं कंटेंट शेयर करती हूँ CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पे, इसको बिल्कुल डाउनलोड कीजिए, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर रेफरेंस पॉइंट व्हेन यू रिवाइज। ओके, व्हाट काइंड ऑफ मर्जर्स टेक प्लेस व्हेन टू कंपनीज हुज लाइन ऑफ बिजनेस आर कंप्लीटली अनरिलेटेड। जैसे हमने बात करी माइक्रोसॉफ्ट एंड फोर्ड, ये लोग बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, एंड हैव नथिंग इन कॉमन टू कम एंड ज्वाइन इन फोर्स। दिस ऑफ कोर्स इज नोन एज कॉन्ग्लोमरेट। इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल सेम बिजनेस में होता है, वर्टिकल अलग अलग है, तो सेम इंडस्ट्री बट अलग अलग सप्लाई चेन लेवल पर है। यस, और अमेलगमेशन में तो अमेलगमेट हो रहे हैं ए और बी मिलकर, ए बी बना रहे हैं लेट्स से, या सी बना रहे हैं लेट्स से, ठीक। इफ यू वॉन्ट टू रीड दिस यू कैन सिंपली रीड। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेजर दैट टारगेट कंपनी माइट टेक टू अवॉइड बींग अक्वायर्ड। इसे मान लेते हैं ए जो है बी को अक्वायर करना चाहती है, तो बी बिकम्स अ टारगेट कंपनी। अब टारगेट कंपनी चाह रही है कि भैया मुझे मत खरीदो, आई डोंट वॉन्ट टू गेट माई सेल्फ सोल्ड। बी चाह रही है मैं नहीं खरीद, मेरे को मत खरीदो। तो क्या करती है ये, एंटी टेक ओवर स्ट्रैटेजीज अपनाती है कि मेरे को मत अक्वायर करो। उसके लिए कुछ तिगड़म लगाती है, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनाती है। अब ये पोस्ट एंड ऑफर भी हो सकता है और प्री ऑफर भी हो सकता है, ठीक है। पोस्ट एंड ऑफर भी हो सकता है, प्री ऑफर भी हो सकता है। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है जो बेसिकली ये एंटी टेक ओवर डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। पॉइजन पुट, पॉइजन कॉल, गोल्डन पैराशूट या स्टैगर्ड बोर्ड। इनमें से द आंसर दैट इज नॉट करेक्ट इज पॉइजन कॉल। बट अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मुझे एक एक करके समझाना है, ध्यान से सुनिएगा मुझे, और इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 टू द पावर इन्फिनिटी इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछा है, ऑलमोस्ट ऑल अटेम्प्ट, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। जो टारगेट ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करने की बात हो रही है ना, और वो नहीं चाहती है कि उसे टेक ओवर किया जाए, तो वो एंटी टेक ओवर डिफेंस करती है, ठीक है। एक हो सकता है प्री ऑफर डिफेंस और एक हो सकता है पोस्ट ऑफर डिफेंस। जनरली हमें जो दिखने को मिले हैं एग्जाम में वो प्री ऑफर है, बट ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफर पूछा नहीं जा सकता है, इसलिए मैं आपको दोनों समझाऊंगी। फर्स्ट इज स्टैगर्ड बोर्ड। क्या करते हैं यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इसमें तीन
सेक्शंस बना देते हैं इक्वल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के, वन ग्रुप इज सिलेक्टेड टू लीड ईच ईयर। बार बार ये लोग ना मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डिसीजन लेते हैं ये चेंज करते जा रहे हैं हर साल, दोबारा से दोबारा, दोबारा से दोबारा, दोबारा से दोबारा, दोबारा तो डिले कर रहे हैं, है ना। डिफेंस है ना इनका एक तरफ से, एक एक तरीके से। प्रोविजन ऑफ सुपर मेजोरिटी क्लॉज, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मर्जर तभी होगा जब एक्सट्रीमली हाई परसेंट ऑफ वोट आएगी, मतलब ऐसे बोलेंगे 80% लोग हाँ बोलेंगे ना कि टेक ओवर होना चाहिए तो ही होगा। दिस इज एग्जाम्पल टिपिकली, ठीक है। फिर हमारे पास है पॉइजन पिल। वॉट इज पॉइजन पिल? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको हम राइट दे रहे हैं कि वो बॉन्ड्स या प्रेफरेंस शेयर्स खरीद सकते हैं इन केस ऑफ मर्जर। मतलब बोल रहे हैं कि अगर ए आप हमें खरीदना चाहते हो, बी टारगेट कंपनी है, बी बोल रही है अगर ए आप हमें खरीदना चाहते हो ना तो हमारी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, हमारी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें अपनी कंपनी में, या जो जो मर्ज होकर कंपनी बनेगी या आप ही एक्वायर कर रहे हो एक तरीके से मुझे, तो अपनी कंपनी में आपको बॉन्ड्स या प्रेफरेंस शेयर्स देने होंगे, ठीक है। एंड विल बी कन्वर्टेड, मतलब कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आपको ऑफर करनी होगी, जो अभी के लिए तो, जो अभी के लिए तो बॉन्ड्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्टॉक एक बार आपने हमें खरीद लिया, वो भी फेवरेबल टर्म्स में इस शेयर होल्डर के, इस बेसिकली इन्वेस्टर के। अब दिस राइट इज एक्सटेंडेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट नो एडिशनल कॉस्ट। तो ये आप कर रहे हो, बोल रहा है बी, बोल रहा है अगर आप हमें खरीदना चाहते हो खरीद लो कोई बात नहीं है, बट हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जो प्रेफरेंस बॉन्ड प्रेफरेंस स्टॉक है या बॉन्ड्स हैं उनको आपको फेवरेबल टर्म्स में विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट अपनी कंपनी के शेयर्स देने होंगे एक बार ही मर्जर हो जाता है। तो हमने जहर की गोलियां बिछा दी हैं, ठीक है। देन यू हैव पॉइजन पुट, ये भी एक एंटी हॉस्टाइल टेक ओवर डिफेंस टैक्टिक ही है। यह कर रहा है टारगेट कंपनी क्या कर रही है, रिडीमेबल बॉन्ड्स इश्यू कर दे रही है, ओके। इश्यूइंग रिडीमेबल बॉन्ड्स दैट कैन बी परचेज बिफोर दे मेच्योर। बोल रहे हैं कि अच्छा आप हमें खरीदना चाहते हो, चलो हम खोल, हम इश्यू कर रहे हैं रिडीमेबल बॉन्ड्स और अपनी मेच्योरिटी से पहले आप इसे परचेज कर लेंगे। आप प्री ऑफर डिफेंस टेक्निक दैट इज सिमिलर टू पॉइजन पिल, एजेंडा यही है कि बेसिकली तुम बोल रहे हो आप हमें, तुम खरीदना चाहते हो तो मेरे को महंगे पड़ेंगे हम एक तरीके से, ठीक है। देन यू हैव डुअल क्लास। डुअल क्लास इज अ न्यू क्लास ऑफ इक्विटी शेयर दैट हैज बेटर वोटिंग राइट्स। मतलब ऐसे लोगों का ऐसे क्लास के शेयर्स बना देते हैं कि जिन लोग के पास ये वाले शेयर्स हैं इनके पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं, और जिनके पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं वो अगेंस्ट टेक ओवर वोट करेंगे। तो दी शेयर होल्डर्स आर गिवन प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस दे रहे हैं, और जिनको प्रेफरेंस दे रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि मना कर दो, नेगेटिव बात करो टेक ओवर के लिए, ठीक है। देन यू हैव गोल्डन पैराशूट। दिस इज आई थिंक इन माई ओपिनियन इज गोइंग टू कम दिस टाइम, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से एग्जाम में इस बार ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो गोल्डन पैराशूट क्या है? इफ द करंट मैनेजमेंट इज रिटेन, जनरली क्या होता है कि ए बी को इसलिए अक्वायर कर रही है, टारगेट कंपनी को इसलिए अक्वायर किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो अच्छी है, जो मैनेजमेंट है वो अच्छी है, मैनेजमेंट इज अ स्टार। कहते हैं अच्छा आप हमारे को अक्वायर करना चाहते हो ना, ठीक है कोई बात नहीं, हम लेने आने को तैयार हैं आपके साथ, बट आपको हमारे को पैसे जो देने पड़ेंगे ना वो खतरनाक देने पड़ेंगे, जो आपको हमें रेमुनरेशन देनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा जेनरेस होगी। तो कोई बात नहीं, हमारा आखिरी बोल सकते हैं प्रपंच बोल सकते हैं या दाव बोल सकते हैं कि हम गोल्डन पैराशूट हैं, आएंगे हम आपके पास लैंड हो जाएंगे, बट देन यू हैव टू लोड अस। ऑल ऑफ दीज आर प्री ऑफर, अभी हमने ऑफर नहीं, मतलब ए ने बी को ऑफर नहीं दिया है बट अक्वायर करने के लिए आ रहा है, टारगेट है, तो टारगेट हमने को ये पता चल गया वही सब कुछ करने लगेगी। इसके अलावा हमारे पास पोस्ट ऑफर डिफेंस है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन मेल के बारे में। ग्रीन मेल में क्या होता है, जो टारगेट फर्म है ऑफर आ चुका है, वो कह रही है कि दे मेक अ डील विद अ बिडर इन विच इट प्रोमिसज नॉट टू एंगेज इन अ हॉस्टाइल टेक ओवर इन एक्सचेंज फॉर अ टारगेट कंपनी अग्रींग टू बाय शेयर्स अक्वायर्ड बाय द बिडर एट प्रीमियम। कहने का क्या मतलब है, बोल रहे हैं
ए बी को अक्वायर करना चाहता है, बी किसी और कंपनी के पास गई, सी के पास गई और बोला कि ऐसा है तू हमें अभी के लिए खरीद ले, ओके हमारे शेयर्स खरीद ले और हम तेरे से वापस खरीद लेंगे, जैसे मान लेते हैं 10 रुपये में खरीदा, हम जैसे 12 रुपये में खरीद लेंगे, बाय बैक कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ए शांत हो जाएगा कि तेरे पास तो मैं हूँ नहीं और तेरे से हम वापस खरीद लेंगे। ओके देन यू हैव पैकमैन डिवेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डेट अगेन। नाउ दिस स्टॉक, द स्टॉक कैन बी बिड ऑन इज द स्टॉक दैट वॉज बींग बिड ऑन इज देन सब्जेक्ट टू अ काउंटर बिड फ्रॉम द कंपनी दैट इज बींग टारगेटेड। पैकमैन डिफेंस क्या है कि जैसे मान लेते हैं मैं टारगेट कंपनी हूँ, जिस कंपनी को टारगेट कर रहे हैं उसको काउंटर बिड कर दे, जैसे मान लेते हैं ए मेरे को खरीदना चाहता है तो मैं अपने ही बंदे बिठा दूंगी सी कंपनी के, कहूंगी कि अगर ये 10 बोलेगा तो तेरे को 11 बोलना है, ये 12 बोलेगा तो तेरे को 13 बोलना है, बोली लगती है ना, नीलामी होती है उस तरीके से। देन यू हैव लिटिगेशन, लिटिगेशन इज कॉर्पोरेट बींग टारगेटेड इनिशिएट्स लीगल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी डूइंग द बिडिंग एलिजिंग दैट द लेटर ब्रोक एंटी ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी लॉज। बोल दो आप मेरे को खरीदना चाहते हो, मैं तुम्हारे पे कानूनी कार्रवाई चला दूंगी कि आप ना मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हो, और फिर तारीख पे तारीख तो चलती रहती है इंडिया में, ठीक है। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ असेट, जो बिडर है डिमांड द टारगेट फर्म सेल्स इट्स मोस्ट वैल्यूएबल असेट ऑल्सो नोन एज द क्राउन ज्वेल एंड और द टारगेट कंपनी बायज असेट दैट द बिडर डज नॉट वॉन्ट और दैट मे कॉज एंटी ट्रस्ट इश्यूज बाय द बिडर। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग में, देखो दो चीज हो सकती है, एक क्या चीज हो सकती है, ये बोल रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है ये हमारी बी ए है, चलो इसे बी मान लेते हैं, ए हमको इसलिए खरीदना चाहती है जो टारगेट कंपनी है, टारगेट कंपनी जो है ए इसलिए खरीदना चाहती है क्योंकि इसका एक डिपार्टमेंट जो है ना वो खतरनाक है, वो स्टार है, वो दैट्स द क्राउन ज्वेल, एज अ क्राउन तुम ये खरीदना चाहते हो ना, इसलिए तुम इतना ड्रामा कर रहे हो हमारे को खरीदना चाह रहे हो, ऐसा करो इस डिपार्टमेंट को हम तुम्हें बेच देते हैं, लेट्स सेल दिस, ये हम सेल कर देते हैं, ठीक है। या तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, ओके दूसरा तरीका है द टारगेट कंपनी बायज असेट द बिडर डज नॉट वॉन्ट और दैट मे कॉज एंटी ट्रस्ट इश्यूज टू द बिडर। अब ए बी को खरीदना चाहता है, बी ने किसी सी या किसी का भी और के भी या फिर एनीबडी एल्स इनके कुछ ऐसे असेट खरीद लिए जो ये खरीदना नहीं चाहता है, ये दो तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल है असेट की, ठीक है। नाउ तीसरा, पांचवा, सॉरी, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लायबिलिटीज, इधर द टारगेट फर्म बायज बैक इट्स ओन शेयर एट सिग्निफिकेंट प्रीमियम और इश्यूज न्यू शेयर टू थर्ड पार्टी हु इज फ्रेंडली विद द कंपनी। बोल रहा है कि ऐसा है ए बी को खरीदना चाहता है, बी बोल रहा है मुझे तो ए के साथ नहीं मिलना है, ठीक है। तो बी की एक कंपनी है, फ्रेंड कंपनी है, दिस इज अ फ्रेंड कंपनी, इसको बोल रहा है कि या तो तू मुझे खरीद ले अभी, मैं तैसे वापस खरीद लूंगा, वरना मैं उसको तो नहीं बिकना चाहूंगा, मैं तू खरीद ले मुझे, आई डोंट माइंड, ओके दिस इज रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लायबिलिटीज। एटलीस्ट वन एंटी टेक ओवर डिफेंस इज यूटिलाइज बाई मोस्ट कंपनीज इन US। द स्टैगर्ड बोर्ड एंड द पॉइजन पिल आर द टू टाइप्स ऑफ डिफेंसेज दैट प्लेयर्स यूज द मोस्ट। आपसे पूछ लेते हैं सबसे ज़्यादा कौन यूज, सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जा सकता है कि हर साल तीन डायरेक्टर्स का बोर्ड जो है वो बदलते रहो हर साल, तो लेट होता रहेगा। पॉइजन पिल इज, पॉइजन पिल क्या बताया हमने, बोला हमारे एग्जिस्टिंग जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको नई कंपनी में आप शेयर होल्डर बनाएंगे बिना एग्जिस्टिंग कॉस्ट के, कन्वर्ट कर दोगे उनके बॉन्ड्स को, कन्वर्ट कर दोगे शेयर्स में, ठीक है। अब यहाँ पर तो डेट होल्डर्स हैं आपकी कंपनी में, वो इक्विटी होल्डर्स बन जाएंगे, ये पॉइजन पिल है, ठीक है जी। द फर्स्ट मेथड इज यूटिलाइज बाय 60% ऑफ लार्ज बिजनेस इन ऑर्डर टू स्टॉप एक्विजिशन फ्रॉम आर्बिट्रेली रिप्लेसिंग द एंटायर बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर, जानबूझ के ऑन द फेस ऑफ इट।
लेटर मेक्स अ कॉर्पोरेट एंड अनफिजिबल एंड एक्सटेंसिवली एक्सपेंसिव टारगेट। अरे भैया, जो डेट वाले हैं उनको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो, बॉन्ड और प्रेफरेंस शेयर्स को बोल रहे हो हमारी कंपनी में नो एडिशनल कॉस्ट पे शेयर्स दे दो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ लार्ज कंपनीज ये भी इस्तेमाल करती हैं। दो तरीके के हम एंटी टेक ओवर टेक्निक्स यूज करती हैं जनरली कंपनीज यूएस में, और ये इसलिए ही ये दोनों अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है टू बी आज इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ डेट इज अ डैश फिनेंशियल सिस्टम। जी बेनेट स्टेवर्ट 2-3 एंड डेविड एम ग्लासमैन ने इसे ऐसे डिस्क्राइब किया है। अब ये नेम्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, नेम्स को कोशिश करना है दिल में उतारने की, 2 से 3 बार एटलीस्ट इसे रीड करना है। ओके, डेट क्या है? वन टाइम फिनेंशियल सिस्टम है, जस्ट इन टाइम फिनेंशियल सिस्टम है, मनी वैल्यू है, या ऑल ऑफ द अबव है? देखो, फिनेंशियल सिस्टम डेट क्या, आप पैसे ले रहे हो जब पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि इक्विटी लंबा प्रोसेस है। जब डेट में पैसा में यहाँ पे भी लगता है, बट इक्विटी जितना नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर रिस्की वेंचर में आप पैसे डाल रहे हो तो आप एक फिक्स कमिटमेंट भी ले रहे हो, बट जब ज़रूरत है, जब इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो डेट जस्ट इन टाइम अवेलेबल है। ऐसा में जी बेनेट स्टेवर्ट 3 एंड डेविड एम ग्लासमैन ने बोला है। ओके, डेट इज अ डैश वेयर एज इक्विटी इज अ डैश। द यिन एंड यांग ऑफ द कॉर्पोरेट फिनेंस आर रिप्रेजेंटेड बाई इक्विटी एंड डेट रिस्पेक्टिवली। यिन एंड यांग, ऐसे बोलो, राम लखन बोलो, है ना, दोनों दोस्त दोस्त हैं। डेट एक क्या है? डेट एक स्वॉर्ड है, तलवार है, क्योंकि भैया पैसे लिए तो लोगे, देने भी तो हैं। और इक्विटी एक तरीके से इट्स अ नर्म तकिया, सॉफ्ट सा, है ना, इट्स अ पिलो। डेट इज अ स्वॉर्ड वेयर एज इक्विटी इज अ पिलो, बट बोथ ऑफ दीज आर यिंग एंड यांग ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके ओके, व्हेन अ कंपनी और अ डिविजन पोजेसेस द फॉलोइंग क्वालिटीज, इट इंडिकेट्स दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर एलबीओ। व्हाट इज एलबीओ? एलबीओ इज लेवरेज्ड या लेवर्ड बाय आउट। कहने का मतलब क्या है? ए बी को खरीदना चाहती है, ओके, बट ए के पास पैसे ही नहीं है। कैसे खरीदेगी? हाउ विल इट बाय? वो क्या करिए, मैं ऐसे करती हूँ, उधार ले लेती हूँ ताकि मैं देखो खरीद लूँ, तेरे से फिर पैसे कमाऊंगी और ये पैसे वापस दे दूंगी। ओके, तो कौन सी कंपनी को आप बोल सकते हो कि एलबीओ से खरीद सकते हैं? जब उस कंपनी की मैनेजमेंट टीम अच्छी है, जब उसमें कंसिस्टेंट कैश फ्लोज हैं और उसे एग्जिट लेना आसान है, ये सारे फैक्टर्स होंगे तो ही ए बी को खरीदेगा, क्योंकि बी से ए पैसे कमाएगा और फिर जो पैसे उधार पे लिए हैं वापस करेगा। ठीक, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, एन अक्वायरिंग कंपनी लोन इस्तेमाल कर रही है टारगेट कंपनी को अक्वायर करने के लिए। लोन बैंक से लिया लेट्स से, अब इस कंपनी को ही, ये जो अक्वायरिंग कंपनी है वो टारगेट कंपनी को ही कोलैटरल जैसे भी रख रही है, यहीं से पैसे कमाएगी और यहीं से वापस दे देगी। दिस इज व्हाट इज लेवरेज बाय आउट, और ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक, अब बात करते हैं डाइवेस्टिचर्स के बारे में। डाइवेस्टिचर्स के बारे में ये रेफर करता है एक ऐसे एक्ट के बारे में, या एक ऐसी डिटेलिंग है, या कॉर्पोरेट ऑफ अ कॉर्पोरेट सेलिंग वन ऑफ इट्स डिवीजन, एक डिवीजन बेच रही है, या फिर कोई एक अंडरटेकिंग बेच रही है किसी अनदर फॉर्म को, या फिर फॉर्म करी एक न्यू कंपनी एंटायरली आउट ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस। तो ऐसे एक कंपनी है ए बी सी डी ई है, तो ई को इन्होंने या तो किसी और को बेच दिया, समबडी एल्स को सेल कर दिया, या फिर इसको न्यू कंपनी बना दिया, या फिर एक न्यू कंपनी बना दिया। अलग अलग तरीके की मोटिवेशन हो सकती है डाइवेस्टर या डीमर्जर करने की। फोकस क्या करना चाह रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बोल रहे हैं, ए बी सबसे इंपॉर्टेंट है वाले, हम उन पर फोकस करना चाह रहे हैं, बाकी सबको हटाओ, है ना। इट इज़ पॉसिबल दैट डिवीजन और बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल इनकम इतना कुछ खास नहीं है, इसलिए बेचो, इनसफिशियंट है।
द साइज ऑफ कंपनी कैन बी टू ग्रेट टू बी मैनेज इफेक्टिवली, इतना ज़्यादा है कि नहीं मैनेज हो पा रहा है ना। द कंपनी माइट हैव एन इमीडिएट नीड फॉर फंड सिंस इट इज कंसिडरिंग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। पैसों की हो सकता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई कहीं और डालने की, कहीं और डालना है क्योंकि, तो इसको बेच दो, यहाँ से पैसे आएंगे और हम विल बी एबल टू डू इट। ऑल ऑफ दीज आर द रीजन्स, दीज आर द मोटिवेशन बिकॉज ऑफ विच डाइवेस्चर या डीमर्जर हैपेंस, एंड दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द चैप्टर। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, सी एम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में विद द लास्ट यूनिट ऑफ मॉड्यूल सी, और फिर मॉड्यूल डी हम फटाफट से खत्म करेंगे। मॉड्यूल डी इज आसान, सब न्यूमेरिकल्स की कहानी होने वाली है, खत्म। ओके, विद दिस आई टेक योर लीव, दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर सी एम में दिशा दुआ, साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।